हम सरकार में रहे तैयो सरकार की गलतियों को, हमारी बराबर की भागीदारी थी सरकार में। गलत संगति में नीतीश कुमार चले, एकदम गलत में चले गए हैं। और रोके किसी, दो पैर के आदमी है ना, चार पाया को ना बांधा जाता है, दो पैर वाले को सुना है क्या बांधते हुए? इसी कारण चले। हाँ हाँ, तो एहसान फरामोश है, भाजपा ने उनको नीतीश कुमार बनाने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जो दिख रहे हैं वो देन भाजपा की है। जदयू आंकड़ों के खेल में ऊपर हो या नीचे, नीतीश कुमार की बादशाहत बिहार में 17 सालों से बनी हुई है। ये वही नीतीश कुमार हैं, किसी भी दल में रहें तो वो पार्टी नीतीश कुमार को अच्छा बताते हैं, सच्चा बताते हैं। लेकिन एक बार फिर विगत कुछ महीने पहले नीतीश कुमार आरजेडी में चले गए और अब आरजेडी नीतीश कुमार का गुणगान करने में लगी रहती है। वहीं जब बीजेपी में नीतीश कुमार थे तो बीजेपी लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और जिस प्रकार लगातार चाचा और भतीजा मिलकर बिहार की सत्ता को चलाने का काम कर रहे हैं, और ये वही तेजस्वी यादव हैं जब 2020 के चुनाव के समय कहे थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पहली कैबिनेट में युवाओं को रोजगार हम देंगे, लेकिन लगातार अब युवा रोजगार मांग रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरीय नेता विनोद शर्मा जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो दम तेजस्वी यादव भरते थे, क्या बिहार के युवाओं को रोजगार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दे पाएंगे? स्वतंत्रता दिवस में नीतीश कुमार ने कहा था कि 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उन्हें कुशल बनाया जाएगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। विनोद जी, तेजस्वी यादव ने कहा था युवाओं को हम रोजगार देंगे, लगता है कि रोजगार उन्हें मिलेगा? देखिए, तेजस्वी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार नहीं देंगे। और निश्चित रूप से अपेक्षा है बिहार के युवाओं का। और जब अभी प्रश्न पूछा गया उनसे, सरकार में जब आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, तो उनको कहा गया कि भाई आपने वादा किया था, आप तो उप मुख्यमंत्री हो गए, तो कहे कि नहीं, मैं तो प्रयास करूंगा ही, लेकिन हम मुख्यमंत्री नहीं हैं। स्वतंत्रता दिवस में तो बोले नीतीश कुमार के हाँ देंगे। ना ना, उनके बाद ही जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री अभी नहीं हैं, डिप्टी सीएम उसके बाद भी प्रयास करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने बढ़ चढ़ कर कहा कि 10 लाख क्या, हम 20 लाख देंगे। तो अच्छा बात है ना? तो नहीं, अच्छा है, जरूर अच्छा है, हो, सब लोग चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के पास अभी जो कर्मचारी, उनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, सबसे आश्चर्यजनक बात है। नौकरियां नहीं हो रही है। आप देखिए कि सिस्को की 70% बहाली नहीं हुई है। लेक्चर की हवा हवाई बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी पहले राजस्व कहाँ से उगाही करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे, बताना चाहिए बिहार की जनता को। शराबबंदी और बालू का जो लूट हो रहा है, उसके बाद बिहार सरकार का खजाना खाली है, कुछ मुट्ठी भर लोग करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। और हमारी जब सरकार थी तब भी हमने प्रश्न किया था, सीधी बात की, हवा हवाई नीतीश कुमार बयान दे दिया पूरी तरह से, पूरी तरह से हवा हवाई है। एक बात बताइए, दूसरे के घर तो आप झांक रहे हैं, लेकिन अपना बताइए कि 2014 में आप लोग सत्ता में पहुंचे, आपके ही प्रधानमंत्री या पूरे देश के प्रधानमंत्री जब उम्मीदवार थे, नरेंद्र मोदी बोले थे कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार और नौकरी तो देंगे। दिए क्या? निश्चित रूप से पूरे मिला, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। लघु उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के नाम, अच्छा। पूरे देश में खुले हैं काफी, हजारों कल कारखाने खुले हैं, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, नौकरियां भी 16 करोड़ लोगों को मिल गया 8 साल में। मैं कहा ना कि वो गिनती आपका बयान सुना दे हम नरेंद्र मोदी का। अरे भाई, मैं जानता हूँ, आप सुनाइए क्या, मैं सुने हैं ना, आप सुने हैं, याद है कि नहीं है? सब याद है। तो कहाँ मिला? मिला है, मैं तो बता रहा हूँ ना, रिकॉर्ड जब आंकड़ा मांगिएगा, आंकड़ा भी आपको प्रस्तुत करा देंगे। पूरे देश में 40-60% तक रोजगार के लिए सब्सिडी मिल रहा है साल में, छोटे छोटे उद्योगों के। बिहार में भी 10 लाख लोगों को हम, 10 लाख आप ही का बात, रोजगार 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल। अरे भाई, गिनती नहीं मैं बता रहा, लेकिन हिसाब तो बड़ी संख्या, 4, 6, 8। अरे भाई, वो देखिए, वो पहाड़ा मत पढ़िए ना। हम पहाड़ा नहीं पढ़ रहे, पहाड़ा मत पढ़िए, मेरा वाला बात सुनिए कि मिला है, मिला है, उसमें कमी नहीं है। 16 करोड़ लोगों को मिल गया, 16 करोड़ नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों। मैं तो हिसाब लेके बैठा हूँ सब विभाग का, यहाँ क्या सब विभाग का हिसाब मंगाना पड़ेगा ना, के समय सोचना ना चाहिए। अरे भाई, तो प्रधान बोले तो मिल रहा है, तो आप क्यों इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं? मिल रहा है, सवाल कर रहे हैं भाई, आपको नजर नहीं आता है कि बिहार में 32 से हमने इथेनॉल मिल खोलवाया शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में, जिसमें हजारों हजार लोगों को नौकरी की संभावना हो रही है। हमने कितना लाख लोगों को दे दिए होंगे, 1 करोड़ 2 करोड़? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ ना, करोड़ों में हुआ है नौकरियाँ,
रोजगार मिले हैं, छोटे छोटे अवसर दिए गए हैं, हम लोन दे रहे हैं लोगों को। अरे भाई एक तो प्रश्न ले लीजिए ना जवाब, आप घुमा रहे हैं तो घुमा नहीं ना रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई से मत भटकिए। हम नहीं भटक रहे, आप लोग भटका दिए जनता को, आप बिहार देश की जनता को आप लोग भटकाने का काम किया। आप बिहार पर आइए ना, बिहार पर थे, बिहार पर केंद्र पे बात कर रहे हैं, केंद्र का दे रहे हैं, सिर्फ रोजगार पे बात कर रहे हैं, आप लोग के बातों पे बात कर रहे हैं। रोजगार के लिए आंकड़ा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता दे रहे हैं, दे दीजिएगा, दे रहा आंकड़ा आपको मिल जाएगा, हाँ पढ़ लेंगे, मिल जाएगा आपको आंकड़ा, उसमें कमी नहीं है। उस सब 10 लाख अभी हाल में आदेश हुआ है, 10 लाख 10 लाख 2 महीने के अंदर नौकरी अभी मिली है, नौकरी मिली है 10 लाख। 15 लाख अकाउंट में आया आपके? देखिए 15 लाख आप उसको दूसरे ढंग से समझिए, आप ही ना बोले, आप करीब अभी तक इतिहास में काला धन करीब 10,000 करोड़। अच्छा। काला धन वसूली है जो बेईमान भ्रष्ट है। हाँ। देख रहे हैं कि सबके खजाने से जमीन और संपत्ति जब्त कर रही है हमारी सरकार लगातार। बंगाल में भी आपने देखा कि 70 करोड़ रुपया एक मंत्री के, बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं? अरे भाई बीजेपी चोर रहेगा, कहाँ से बीजेपी की हिम्मत है किसी को चोरी करने का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? एक बताइए कहीं देखो, एकदम दूध के धुले हुए हैं एकदम। नहीं नहीं आप बोलिए ना किसका, आप प्रमाण दीजिए, उसके छापा पड़ेगा जो भी हो। प्रमाण तो कई बार दे दिया, कहाँ प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है, बेतुका बात मत कीजिए, कोई प्रमाण नहीं है। हमारे किसी भी नेता जो चोरी किया हो इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बता दीजिए, कोई नहीं बच सकता है। अगर बचा है तो उसको तत्काल कार्रवाई हुई है। चोर ममता बनर्जी की सरकार में है। अरे भाई सारा दुनिया देख रहा है ना। हाँ। कहाँ से संपत्ति? नीतीश कुमार अच्छे क्यों लगने लगे? आप खराब क्यों लगने लगे? कहाँ खराब, आप लोग के साथ रहते तो अच्छे हो जाते हैं। आप लगता है न्यूज से बाहर है चैनल से, हमारे प्रदेश आप ही लोग प्रश्न करते थे कि आप लोग नीतीश के खिलाफ क्यों प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग बार बार गलतियों को गिनाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए एक बार नहीं उसी पर नाराज होके भागे कि भाजपा वाले बार बार प्रश्न क्यों कर रहे हैं। सच्चाई जान लीजिए और रिकॉर्डिंग देख लीजिए पहले का सभी चैनलों पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम लोग नीतीश कुमार का गुणगान आज भी अच्छा आदमी कहते हैं, लेकिन संगत से गुण होता ना, एकदम अच्छा आदमी है लेकिन संगत का असर पड़ता है। और एहसान फरामोश है नीतीश कुमार जी, अच्छा आदमी, मैं तो कह रहा हूँ, सारा दुनिया कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं, उसमें कहाँ भाग रहे हैं? लेकिन अच्छा का मतलब आप गलत कर्म कीजिए वो हम नहीं देखेंगे क्या? वो आपको नहीं बताएं क्या कि गलत रास्ते पर आप हैं? आप गलत रास्ते पर हैं, आप किस लोभ में गए हैं आप जानिए, लेकिन बिहार को किस रास्ते पर 10 दिन 1 महीना में क्या हाल है बिहार का? क्या हाल हुआ, कुछ हुआ? वो सब हो रहा है माननीय, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ना करावे, क्यों नहीं करा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में पावर है, अभी भी करा लेना, समझ में आ जाएगा। मुजफ्फरपुर का बालिका गृह का क्यों नहीं पूछते हैं क्या हुआ, मंत्री हटाई गई? तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमने जो प्रश्न किया ना, हम लोग थे तो हम लोग तो बार बार प्रश्न कर रहे थे। हाँ। आप लोग सो रहे थे क्या? हम लोग गायघाट शेल्टर और मामला उठाए थे तो, उस समय तो आप लोग का मुंह कुछ नहीं खुल रहा था, सब खुला है, देख लीजिए यूट्यूब, आप जाके देख लिए ना चैनल पर, हमने कभी भी मुंह बंद नहीं किया है। हम सरकार में रहे तैयो सरकार की गलतियों को, हमारी बराबर की भागीदारी थी सरकार में। गलत संगति में नीतीश कुमार चले, एकदम गलत में चले गए हैं। आप लोग रोके और ना रोके, किसी दो पैर के आदमी है ना, चार पाया को ना बांधा जाता है, दो पैर वाले को सुना है क्या बांधते हुए? इसी कारण चले। हाँ हाँ, तो एहसान फरामोश है, भाजपा ने उनको नीतीश कुमार बनाने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जो दिख रहे हैं वो देन भाजपा की है कि उनको, आप लोग के पास अपना चेहरा है कोई? अरे भाई इससे विश्व का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, आप कहाँ सो रहे हैं? सो रहे हैं नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी अकेले आपको पानी पिला दिया, सब लोगों को जेल, ना ना ठिकाना कहाँ? राज्यसभा मेंबर है, सबसे चारों सदन के मेंबर हो, ना ना चारों सदन के मेंबर हो गए सुशील मोदी जी, जितना सम्मान मिला उतना किसी को भी आप में नहीं मिला। 17 साल लगातार डिप्टी सीएम रहे विनोद बाबू, 2019 जब पटना डूब गया था, हाफ पैंट में भाग गए थे, आपको पता है? अरे भाई भाग गए कि नहीं, पानी में डूब जाते क्या? 17 साल में कहा व्यवस्था, जो उनके जिम्मे काम था, जो काम था बहादुरी से उन्होंने किया। बीजेपी में जो आते हैं सब पवित्र, पप्पू यादव तो घुस के काम किए, पप्पू यादव उनको पैसा दे रहे हैं। आप क्यों नहीं वोट दिलवा दिया पप्पू यादव जी को? जमानत जब क्यों करवा दिया? मधेपुरा जैसे जैसे जमानत विधायक में हो गया, जनता समझ लीजिए, जनता तो आप ही तो अपना जवाब दे रहे हैं। सुशील मोदी के आस पास रहने वाले लोग फरार कहां हो गए थे? उनके छत तक पानी चला गया था, घर से बाहर आए निकल के दूसरे सरकारी आवास में आ गए।
पप्पू यादव खाना दिए थे, मैंने देखा। पप्पू यादव की तारीफ पूरे देश करता है। पप्पू यादव जी ने निश्चित अच्छा काम किया था, हम लोग भी चर्चा में बात है। अरे भाई हम लोग कर रहे हैं, कर का एक जगह का मत देखिए ना, पूरे देश में कर, पूरा देश में कर रहे हैं हम लोग, कहीं कोई नहीं है। रोजगार की बात हो रही थी, बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम तरह के दावे वादे किए जाते हैं, और जब सवाल किया जाता है तो नेता किस प्रकार से हर एक बातों को पलटते हैं, ये साफ आपने देख लिया। भले ही राजद नीतीश कुमार के साथ हो या बीजेपी के साथ हो, जब जब नीतीश कुमार जिस दल के साथ होते हैं नीतीश कुमार अच्छे लगने लगते हैं। भले ही चुनाव के समय सत्ता से लुभान्वित वादे किए जाए, लेकिन जब सत्ता में नेता और दल पहुंच जाते हैं तो इन्हीं जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रोहित, NBC 24 पटना।